नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार में सूबे की सरकार ने शराबबंदी कानून लाकर देश सहित विदेशों में भी काफी बाह-बाही लूटी। इसी के बल पर महिलाओं में अपना प्रभुत्व कायम कर फिर बिहार की सत्ता में दोबारा वापसी की। परंतु वही शराबबंदी कानून बिहार किसी भी जिले में सफलता की सिरे नहीं चढ़ पा रही है। इससे लगभग हर जिले में शराब कहीं से कहीं मिल ही जा रहा है, चाहे दाम जो भी लगे। वही बिहार में शराबबंदी कानून से लगभग सभी को व्यापक लाभ हो रहा है जो इससे जुड़े हैं। इसी शराबबंदी पर सूबे की सरकार ने मानव श्रृंखला बनकर पूरे वर्ल्ड में बाबा ही खूब लूटी, साथ ही इससे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में इसे शामिल कर लिया। फिर भी शराब बिहार में आ रहा है, क्या सूबे की सरकार का यही शराबबंदी कानून है? आइए फिर जाने बिहार में कहां भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। लखीसराय जिले के बढ़िया थाना और उत्पात थाना को मिली बड़ी कामयाबी। एस ड्राइव एवं मद्य निषेध अभियान 21 जनवरी से 4 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब से भरा दो ट्रक को किया जब्त। वहीं यूपी चालक कृष्णपाल सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान बताया कि यह सभी शराब हरियाणा राज्य से लेकर सीतामढ़ी जा रहा था। वहीं उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर टोल टैक्स गेट के पास से एक ट्रक प्राप्त चावल की बोरी में जा रहा था जो कि भागलपुर लेकर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने की छापेमारी कर पकड़ ली गई है। गिनती के बाद सारा डिटेल बताई जाएगी। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। जी, पुलिस अधीक्षक लखीसराय महोदय द्वारा 21 से लेकर 23 तक गणतंत्र दिवस और आगामी सरस्वती पूजा को देखते हुए समकालीन अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषकर मद निषेध और अवैध हथियार और आदि के रेड के लिए सभी थानेदार को बोला गया है। इसी क्रम में अभी बढ़िया थाना के पुअनी ज्योतिष कुमार दास द्वारा एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब है। अभी उसकी गिनती नहीं हो रही, गिनती की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद पता चल जाएगा कि कितना 12 चक्का ट्रक है, राजस्थान नंबर है, और आगे की कार्रवाई। और उसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर जहाँ हरियाणा तक जो सूत्र है उसको स्थापित करके मेन डीलर तक हम लोग पहुँचेंगे। इसमें ये गुप्त सूचना के आधार पे सूचना है, और जो मद निषेध के उत्तर मुझे मद निषेध है तो हम लोग जो सूचना संकलन कर रहे हैं उसी के प्रयोग करके इतना कम है, जितना हो सकता है उतना कार्रवाई तो की जा रही है। और अब सूचना संकलन पहले ट्रक के साथ साथ उसके चालक और एक और खलासी है क्या है उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इस पर निश्चित रूप से पूरा सिंडिकेट है दोस्तों।